करीर और यहाँ पे मेरे को नई ट्रेन मिल गई है जो कि है दुरंतो एक्सप्रेस विच गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सच अ रिलीफ क्योंकि सराय रोहिला नहीं जाना। ये सियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस वीक में 4 डेज चलती है, संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। कोविड आउटब्रेक के बाद से मेरी ये पहली ट्रेन जर्नी थी। कोच हाफ ऑक्यूपेंसी पे था, जर्नी बहुत कंफर्टेबल थी और व्यूज तो ऑब्वियसली बहुत ब्यूटीफुल थे। ट्रेन का अराइवल टाइम 6:25 PM है, लेकिन उस दिन ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी और मैं घर शाम को 7:30 बजे तक पहुंची थी। और घर की छत पे विंटर सन का तो आनंद ही अलग है। हे गाइस, मैं हूं आपकी वही पुरानी शैली पर अलग वेशभूषा में। ये है पोशाक जो हम राजस्थान में पहनते हैं। हमारी पूरी फैमिली मिलकर पुनरासर धाम जा रहे हैं। Let's go! ये जयघोष बहुत ही कॉमन है राजस्थान में। टिपिकली किसी जर्नी की शुरुआत में ये जयघोष किया जाता है। पूर्णासर बालाजी मंदिर पूर्णासर नाम के एक गांव में है, जिसे पूर्णासर धाम भी बोलते हैं। गांव के नाम पर ही मंदिर का नाम है। ये करीब 58 किलोमीटर दूर है बीकानेर से और वहां पहुंचने के लिए आपको बसेस और टैक्सीज बीकानेर से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। रास्ते में सब भजन और हनुमान चालीसा गाते हुए गए। इनफैक्ट बच्चे भी कहीं पीछे नहीं थे। हम करीब 1 घंटे 10 मिनट में पूर्णासर धाम पहुंच गए और सीधा मंदिर की तरफ चल पड़े। आ गए हम पूर्णासर धाम मंदिर और ये है मंदिर का मेन गेट, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। इस मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1775 में जयरामदास पोथरा द्वारा की गई थी। राजस्थान में तो आइए मैं आपको इसके दर्शन कराती हूँ। एक बहुत बड़े अकाल में हनुमान जी ने साधु के रूप में प्रकट होकर बोथरा जी की हेल्प की थी, उन्हें ये मूर्ति दी थी जो उन्होंने यहाँ आकर स्थापित की और तभी से इस मंदिर की बहुत मान्यता है। ये जो ट्रस्ट का नाम आप देख रहे हैं, ये मंदिर का ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट ने यहाँ पे एक धर्मशाला बनाई है जिसमें बीकानेर के बाहर से आने वाले यात्रियों को फ्री ऑफ कॉस्ट बेड और रूम तो मिलता है, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट खाना भी मिलता है। इस धर्मशाला में 108 रूम्स हैं। यस, 108 अटैच्ड वॉशरूम्स भी हैं और एसी रूम्स भी हैं, लेकिन एसी रूम्स का किराया 500 रुपीज है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। दर्शन करने के बाद हमने ट्रेडिशनल राजस्थानी लंच किया और फिर हम निकले एक और मंदिर के लिए।
ये है अंजलि माता मंदिर और ये पड़ता है 1500 धाम से पहले ही, लेकिन हम दर्शन कर रहे हैं बाद में। सो या लेट्स गो इनसाइड। ये थोड़ा नया सा है और थोड़ा अच्छा सा है, बड़ा सा है। एंड ओ माई गॉड, ये मंदिर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा सुंदर था। आई वॉज स्टन्ड बाई इट्स ब्यूटी एंड ग्रैंडियर। ऑनेस्टली नए मंदिरों में मैंने कभी भी इससे ज्यादा सुंदर मंदिर नहीं देखा। जस्ट ब्यूटिफुल, मैजेस्टिक। अंजनी माता के दर्शन करके मैं तो मंदिर दर्शन में लग गई। सीलिंग, झरोखा, पिलर्स, तोरण, कार्विंग्स, इवन द फ्लोर, एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल। और मंदिर दर्शन करने के बाद हम बस में वापस बैठे, जय घोष किया और बीकानेर वापस लौट गए। और उसी रात हम पहुंच गए बीकानेर के बेस्ट पान वाले शॉप पे। ये है यहाँ का बहुत ही फेमस पान का शॉप, मुलसा फुलसा पान वाला। और ये है यहाँ के ओनर मुलसा फुलसा जी, शायद इनका यही नाम है। यहाँ पान लगा रहे हैं, यहाँ का सबसे फेमस पान है, बहुत पॉपुलर है। एंड लुक एट द स्टाइल, हेयर स्टाइल, दाढ़ी, मूछ एंड दिस ज्वेलरी, वाओ। ये दुकान का टाइम भी बहुत सही है, सुबह 5 बजे से रात के 2 बजे तक, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, कभी भी आइए आराम से। यहाँ पे इस तरह का पान खाने में तो मजा बहुत आने वाला है, मुझे बहुत देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। सो लेट्स ट्राई एंड सी। ये आ गया हमारा पान बिना सुपारी वाला। ये पान मेरे लिए बहुत बड़ा है, बट बहुत बढ़िया है, गजब बड़ा है। ये है बीकानेर का फोर्ट गेट। एकदम रात के 11:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पे हूँ। नॉर्मली ये दिन में पूरा क्राउडेड होता है, बहुत भीड़ होती है, कार वार भी नहीं आ सकती अंदर, बट अभी ये पूरा खाली है। इसी गेट के पास यहाँ पे हमें एक मिठाई की दुकान खुली मिल गई है, जोधपुर स्वीट भंडार, बीकानेर में जोधपुर स्वीट भंडार। फेणी कहते हैं इसे, फेणी। ये यहाँ पे एकदम ताज़ा गर्मा गर्म दूध है और इसके साथ इसको खाया जाता है। तो मुझे उन्होंने टेस्ट करने के लिए ये दूध दिया है थोड़ा सा, तो लेट्स सी। ओह अमेजिंग, ऑनेस्टली दूध किसी मिठाई से कम नहीं है, रबड़ी जैसा सा टेस्ट है, मीठा दूध है, गाढ़ा दूध है, बहुत ही क्रीमी, बहुत अमेजिंग, वाह अमेजिंग। 100 साल पीछे चले जाओ यहाँ खाने के बाद। आप मिठाई का आनंद लेने के बाद वहीं फूड गेट पे मिल रहे बड़ों का भी आनंद लिया। बड़े मिल गए हैं, सही स्पाइसी है और गर्मा गर्म एकदम सॉफ्ट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, और मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।